हेलो, सत श्री अकाल जी। और लड्डू इधर आ। हाय राधिका, कुछ बच्चों के अपडेट्स देने के लिए और एक जो आप सबने वीडियो देखी होगी अमनप्रीत जी की, उनकी अपडेट्स देने के लिए मैं लाइव आई हूँ। अभी के लिए मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, और क्या कहते हैं उसको, थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ मैं, कुछ लोग ऐड हो जाएं। अभी मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? थोड़ा सा धीरे बोल रही हूँ मैं। हाय जारा, उधर ये रहा लड्डू। अभी चुप है, लेकिन कल रात को तो पूरी रात नहीं सोए, पूरी रात जिसको बोलते हैं, हर मतलब अगले सेकंड में रोता था। तो आई थिंक 4:30 के आसपास मैंने वीडियो डाली थी, मैंने गुरबानी चलाई हुई थी अमृतसर की लाइव। तो एक मुझे होता है कि ना, क्या पता कानों में भगवान का नाम पड़े तो थोड़ा रिलीफ मिले पेन से। तो फिर दवाई दी इस बच्चे को, दो डॉक्टर ने मैं सजेस्ट की हुई थी। उसके बाद 6 बजे जाके ये सोया है। 6 बजे के 6 बजे सोई हूँ कल मैं। और सोने के बाद फिर अपना, आपको पता ही है, जो डॉग को डंप किया हुआ है, मतलब खाली वो एक डॉग नहीं है, आप जितने भी अभी वीडियो में लोग ऐड हो, आपके घर के पास, आपके मोहल्ले में कहीं ना कहीं कोई ना कोई डॉग को फेंक आता है ना। उसको दिक्कत रहती है, चल यार फेंक आता हो ना, इसका कौन सा कोई वाली वायरस है वो। तो अगर आप कभी किसी के ब्रीड वाले डॉग को हाथ लगा के देखो, मैंने एक न्यूज़ देखी थी, एक बंदा अपने लैब को लेके जा रहा था, तो किसी ने उसको कुत्ता बोल दिया था, उसके डॉग को, वो उसको बच्चों की तरह प्यार करता था। उस बंदे ने उस बंदे की पिटाई कर दी थी। आई थिंक काफ़ी बड़े लेवल पे वो न्यूज़ वायरल हुई थी। मतलब इन गरीबों का तो लोग समझते हैं इनका कोई वाली वारिस नहीं है, और चलो जी इनको तो जहाँ मर्जी दिल किया उठाया, गाड़ी में रखा, या फिर अपना जमादार को, या फिर किसी को भी 500 रुपये 200 रुपये दिए, क्योंकि इनकी वैल्यू यही है बेचारों की ना। तो लोग फिकवा देते हैं, आराम से फिकवा देते हैं। आप, ये खाली मेरे साथ एक्सपीरियंस नहीं है, आप जहाँ भी रह रहे हो ना, आप खुद थोड़ा सा रियलाइज़ करो कि कोई डॉग को आप फीड करते हो, 10 दिन बाद वो आपको डॉग दिखे ही नहीं, है ना, 15 दिन बाद वो दिखना ही बंद हो जाए एकदम, थोड़ा यार वो मर जाता है, तो किसी ना कोई फंकवा देता है। मैं कई बार देखती हूँ हाईवे पे, हाईवे के किनारे के पास कुछ डॉग्स बैठे होते हैं, वहाँ कोई ढाबा तक नहीं होता। मैं सोचती हूँ, मैंने कहा ये आए कहाँ से यहाँ पे, तो वो आए नहीं होते, वो लाए जाते हैं उन गंदे लोगों के द्वारा। मतलब कि आज है तो हैप्पी दशहरा, लेकिन असल में ना, असली रावण वो लोग हैं जो इन बच्चों को, जो बेजुबान है, जो बोल नहीं सकते, जो उनके अत्याचार का शिकार होते हैं, उनको उठा उठा के फेंक आते हैं भाई। तो असली रावण मेरे अकॉर्डिंग तो आज के टाइम में, बोलते हैं ना देवता नहीं देखे, ये फलाने नहीं देखे, तो आज के टाइम में आपको देवी देवी लोग भी मिल जाएंगे और ये राक्षस लोग भी मिल जाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग असली रावण वो सारे लोग हैं जो इन बेजुबान बच्चों को, जो अपने लिए ना तो इंसाफ की मांग कर सकते हैं, ना ये कुछ खाना मांग सकते हैं, ना किसी को कंप्लेंट कर सकते हैं, जिसका दिल चाहे उठा के इनको फेंक दिया। तो अभी इसको मेरे पास ही है, आई थिंक मैं इसका पैर भी दिखाना चाहूँगी। कुछ मेरे को फ़ोन दिया एक बार वो बोला, कुछ लोग बोलते हैं कि कोई ऐसी डिसीज़ होती है, आई डोंट नो, उसमें पैरों का ही नीचे स्टफ़ भी चेंज हो जाता है। अगर आपकी नॉलेज में कोई बंदा हो तो बताना, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, इसके पैर नीचे से बहुत हार्ड हो गए हैं। जैसे मैं पढ़ती भी रहती हूँ, डॉक्टर्स को भी पूछती रहती हूँ कि ऐसी कोई डिसीज़ पता हो जिसके जैसे इसके पैर है ना, जैसे कई बार हमारी हड्डियाँ नहीं हो जाती, वो खरवी खरवी टाइप, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलेंगे यार, खरवी टाइप, मेरे को हिंदी में नहीं पता क्या बोलेंगे, जैसे हमारे पैर नीचे से बहुत हार्ड हो जाते हैं, तो ऐसे इसके पैर नीचे से हार्ड हुए पड़े हैं। अगर कोई ये भी सिम्टम्स हो किसी बीमारी का तो प्लीज़ मुझे बताना, अभी तो ये आराम से बैठा हुआ है। और क्या बोलते हैं, और मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ, भाई एक तो मत फेंका करो, सबसे एक तो मैं अपडेट स्पेशली ये देने आई हूँ, अपडेट देने की मैं उसमें नहीं थी आज, लेकिन एक होता है ना कि आप सब लोग भी ना एक फैमिली बन गए हो, जब तक वो बोलते हैं दिल की जो बातें हैं वो आप तक रखी ना जाए, तो मेरे को ऐसे अच्छा नहीं लगता।
सो मैं अभी इंस्टा पे अपने पर्सनल अकाउंट से लाइव आई हूँ, क्योंकि आप सब लोगों को पता है जो वॉइस फॉर वॉइसलेस वाला मेरा अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, तो लोग वहाँ जाके रिपोर्ट मार देते हैं, फिर वो लाइव ब्लॉक हो जाता है महीने भर के लिए, फिर अपना मेरे को पर्सनल पे फिर लाइव आना पड़ता है। तो मैं लाइव सेव करके यूट्यूब पे डाल देती हूँ कि जिनको नहीं दिखता अपने भाई देख लेंगे, मेरे को तो मेन अपडेट देनी है। तो मैं क्या बोल रही थी, जो वो अमनप्रीत कालड़ा जी हैं मॉरल टाउन में रहती हैं, उस मैडम के 3 दिन एक तरफ से इतने तरले किए हैं ना भाई, बहन बता दे डॉग कहाँ पे है। एक्चुअली जो मैं, आप सब लोगों को पता है कि मैं काफ़ी टाइम से डेली बच्चों को फीड करने जाती हूँ, अब हमारी टीम थोड़ी बड़ी हो गई है, जब कई बार मैं नहीं जाती वो जाते हैं, तो जहाँ से उस बच्ची को उठा के फेंका गया है ना, वहाँ पे ऑलरेडी कुछ ऐसे डॉग हैं जिनको थोड़ा टाइम पहले पार्वो हो गया था, तो मैंने उन बच्चों का ट्रीटमेंट करवाया था, क्योंकि उस गली में ना कुछ टीनेज बच्चे रहते हैं जो एनिमल लवर हैं, उनके मम्मी पापा इतने तगड़े वाले एनिमल लवर नहीं, लेकिन वो बच्चे एनिमल लवर हैं, जब भी उनको कुछ प्रॉब्लम होती है कोई वैक्सीनेशन में, कुछ डॉग को डिसीज़ हो जाती है, तो कुछ पैसे वो अपनी पॉकेट मनी से सेव करते हैं, कुछ फिर मैं हेल्प कर देती हूँ, तो मिलजुल के वो बच्चे ठीक हो जाते हैं। तो कई बार मैं वहाँ से निकलती हूँ, राउंड भी मारती हूँ, फीड भी कर देती हूँ, तो वो डॉग मेरे को दिख ही नहीं रही इतने दिनों से, वो प्रेग्नेंट है, इवन वो एक डॉग ने और बच्चे दिए हुए हैं। तो जब वही बात है, मैंने आसपास लोगों से भी पूछा, इवन वो बच्चों से भी पूछा, बच्चों ने बताया, मतलब वो लेडी एक तो डॉग फेंक रही है और ऊपर से खुद से फ़ोन करके लोगों को बता रही है कि मैंने फेंक दिया क्योंकि मैं तंग थी, ठीक है। उसके बाद 3 दिन से डेली, मैं इसको इधर बिठा देती हूँ ना, इधर बाजा आज, इधर आ जा, इधर आ जा, हूँ तो आराम ना लम्मा पे, हूँ जो तो मेरा सोन का टाइम आएगा ना फिर देखा जे। आपकी आवाज से सुने चैन नहीं रहता भरावा मेरा, मैं समझ नहीं आती की लिखा जे, सुनिया बिना चैन नहीं आता कि सुन के चैन आता, आई डोंट नो की मतलब आता है। मतलब वो जनानी दे इन्ने को असीं तरले कढ़े कि भैन मेरी एक करी दस दे तू बच्चा कित्थे सुट्टिया, है ना, वो माँ की धी ने दस्या नहीं, हर वारी मैनू कह, मतलब वो लोग पता की समझते ना, लोग समझते ने ये जिहड़े एनीमल लवर लोग फिरते ने ना ये पागल ने, है ना, इन्हां च कोई सेंस नहीं है, इन्हां नू इन्हां दी कोई पुछताछ नहीं है, कोई लाइक लेना देना ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते दुनिया से, मतलब असीं पागल नहीं है, असीं अपनी जिंदगी इन्हां बच्चों के नाम करती है, अपनी जिंदगी का कंफर्ट लैवल छड के असी मैं जिवें पूरी रात में सुती नहीं ना, तो मैं उन्हां लोगों का भी फील लै सकनी हाँ कि जिहड़े बेचारे बच्चों पूरी पूरी रात जाग के इन्हां दी केयर करते हैं, क्योंकि मैं सवेरे 6 बजे सुती हूँ, मेरी पूरी इस टाइम ऐसी तैसी हुई पी, मेरा कोल्ड, मैं इस टाइम सवेरे दे 3 खुराक खा बैठी हाँ तो क्या मेरा गला भी पूरा खराब है। सो मैं वो लेडी के खिलाफ कंप्लेंट देती है, ठीक है, क्योंकि मैं 4 दिन वेट किया, मैं वो अगर हाथ पैर भी जोड़े, एंड ईवन जो लोग मेरे टच से सन उन्होंने भी फोन किए कि भैन मेरी दस दे या नाल चल पे डॉग नू लभ के उन्हें वापस लै आ, लेकिन वो बीबा मनी नहीं, वो कहती मैनू तो नहीं अपना, मैं तो जाना नहीं क्योंकि मैं तो कम तमाम कर रही हाँ। सो मैं मैडम के खिलाफ कंप्लेंट दिती है, तो मैं अगर वो मैडम इस टाइम वीडियो वेंदी पी है ना मेरी, तो मैं उन्होंने कहनी है कि मेरा जो घर का एड्रैस है ना मेरे पेज पर मैनशन है, ओके, मेरे पेज पर मेरे घर का एड्रैस मैनशन है, तुहाडे कोल मेरे दोवें नंबर भी ने, तुहानू कोई भी दुख तकलीफ है मैडम जी मैनू फोन करो, खास करके अमनप्रीत कालड़ा जी, अगर तुसी इन्नी हिम्मत रखते हो कि बेजबान बच्चे नू चुक के तुसी हाईवे ते सट आए हो ना, तुसी इन्नी हिम्मत रखते हो तो मैनू फोन कर लो, तुसी जो टीनेज बच्चे ने उन्होंने जाके धमकियां ना दो। आई थिंक लोगों को पंजाबी समझ नहीं आती, एकदम फिर हिंदी लैंग्वेज होना ना, ओह माय गॉड। मतलब मैं अमनदीप कालड़ा जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उन टीनेज बच्चों के घरों में जाके उनके पेरेंट्स को जो धमकियां दे रहे हो, देखो मैं उन डॉग्स को फीड करती थी, मैंने उनको वैक्सीनेशन करवाया, मैंने उनको पार्वो का ट्रीटमेंट भी करवाया है ना, तो आप मेरे से आके बात करो। मैं बड़े गांव जंगल जाती हूँ, वहाँ पर कोई डॉग ऐसे कुछ दुख तकलीफ में होता है उसको दवाई देते हैं, मैं अपना वहाँ जाती हूँ, लेक पे जाती हूँ, झिलमिल के पास जाती हूँ, इतनी वीडियोस पड़ी हैं जिन डॉग्स को ठीक कर दिया है, ये नहीं कि मैंने खाली ये ज्योति नगर का ठेका ले रखा है। सो जी मैं नहीं बोलती, बट मैं वही बात है ना, एक खुद उसको शर्मिंदगी फील हो। सो अमनप्रीत कालड़ा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जे कोई दुख तकलीफ है मेरे से आगे बात करो, उन टीनेज बच्चों के घरों में जाके धमकियां मत दो कि मैं आपको आप पे हैरेसमेंट का केस डालूंगी, आप वुमेन कार्ड मत खेलो, मैं भी एक वुमेन हूँ, अगर आपने कार्ड खेलना है तो मेरे साथ आके खेलो,
एंड मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आप उस बच्ची को ढूंढ के ले आती हो वापस, लाके उसको चुपचाप गली में छोड़ देती हो या मेरे घर के बाहर छोड़ देती हो, जहाँ भी छोड़ देती हो, अगर उस वो प्रेग्नेंट बच्ची है, सबसे बड़ी बात वो, मैंने 10,000 का ही नाम भी रखा है हम एक दो लोगों ने मिलके, कि जो भी उस डॉग को मिल ढूंढ के लाएगा उसको हम 10,000 कैश प्राइज मनी भी देंगे, क्योंकि इस टाइम पे ना वो डॉग को ढूंढना इतना ज़रूरी है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, उसने एक जान ने और जान को जन्म देना है ना। सो यही रिक्वेस्ट है, अगर आप उस बच्ची को ढूंढ के वापस ले आती हो चुपचाप या के रख देती हो, मैं आपसे माफ़ी भी मांगूंगी, जैसे आप कहोगे मैं वैसे करने के लिए भी तैयार हूँ। वो लोगों पे, वो पूरे मॉडल टाउन में जाके हल्ला कर रही है कि दलजीत को बोलो कि मेरी वीडियो डिलीट करें, वीडियो तो मैं अपने बाप की भी डिलीट ना करूँ कभी भी, अगर कोई क्रूरिटी करे तो सॉरी, वीडियो मैं डिलीट नहीं करती, मैं खुद की नहीं करती भाई अगर मैं कुछ गलत भी बोल देती हूँ। सो क्योंकि इतने लोग आप देख रहे हो यार, आपका भी ट्रस्ट लेवल है, मैं ऐसे वीडियो नहीं डिलीट कर सकती। हाँ मैं सॉरी मांग सकती हूँ कि मेरे से कुछ गलती हुई है, तो पहले मुझे वो डॉग चाहिए। आप उस डॉग बच्ची को जहाँ भी आपने फेंका है, हमने ये तक बोला कि मैम आप, हम पिछली अपनी गाड़ी लेके आ जाएंगे, आप आओ ना आप, क्योंकि देखो हम आज भी, मैं और दो तीन बंदे और थे, हम 12:30 एक बजे के आसपास उस बच्ची को ढूंढने गए हैं कि कहीं ना कहीं वो बच्चे मिल जाए। पूरा रास बसेरा यार, हाईवे पे, ढाबों पे पागलों की तरह पूछ रहे हैं, और लोग भी हंस रहे हैं हम पे कि क्या बोलते, कौन सी ब्रीड का कुत्ता है। मैंने कहा भाई ब्रीड मैटर करती है क्या, मैं कहा हमारे घर के बाहर रहता था ना, कुत्ता तो कुत्ता ही है भाई, ब्रीड वालों को कुछ ज़्यादा थोड़ा लगा होता है। तो लोग भी हंस रहे हैं हम पे कि ये रोज करनाल से पागलों की तरह ढूंढने आ रहे हैं। सो अमनप्रीत जी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ उस बच्चे को ढूंढ के ले आओ, नहीं तो उस बच्चे की बददुआएं तो लगेंगी लगेंगी। और अभी भी आप जो फील कर रही हो ना, आई नो कि आप प्रॉब्लम में हो, आपको क्योंकि मैंने इनकी जो बोलते हैं अकाउंट भी मेंशन किया हुआ है, मैंने इनका नंबर मेंशन नहीं किया, अकाउंट मेंशन किया हुआ है, क्योंकि अभी जो लोग आपको मैसेज कर रहे हैं आई नो आप प्रॉब्लम में हो। अगर प्रॉब्लम आप देखो, जेन्युइनली मुझे भी प्रॉब्लम होती है, आपके जो चाहने वाले हैं वो मुझे गालियाँ दे रहे हैं, बट कोई बात नहीं, क्योंकि मैं अगर इन बेजुबानों के लिए लड़ रही हूँ मैं तो लड़ती रहूँगी भाई, और मैंने कंप्लेंट भी दी है, जल्दी से जल्दी एक्शन भी करवाएंगे। एक ही रिक्वेस्ट है मुझे, कोई यहाँ पे लाइक वोटे नहीं चाहिए, चुपचाप उस बच्ची को वापस ले आओ, उसको उसके घर में छोड़ दो। अगर आपकी सेटिस्फेक्शन होती है कि आप जैसे लोगों को बोल रहे हो दिलजीत को बोलो माफ़ी मांगे, पहले माफ़ी तो क्या मांगूंगी, अगर मेरे को बच्ची मिल जाती है तो मैं तो झुकने के लिए भी तैयार हूँ, तो पहले मुझे तो वो बच्ची चाहिए। इसको क्या हो रहा है, कुछ खा रही है कि हैं जोई, कुछ खा रही है क्या हैं, कुछ खा रही थी क्या यार, मेरे तो ऐसे तो सुध बत्ती गुल हो जाती है जब कोई डॉग को कुछ उसे होता है ना, इसको नीचे उतरना एक सेकेंड। ओ मम्मा 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 गया 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 भाई, मैं गलत क्या कर रही हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाई है, मैं पुलिस स्टेशन गई हूँ, पुलिस वाले बोले कि यहाँ कंप्लेंट नहीं होती, फिर उनको समझाया कि सबसे बड़ी बात देखो, मॉडल टाउन में आज तक डॉग्स के खिलाफ कोई कंप्लेंट ही नहीं गई, मतलब हमारी पहली ऐसी कंप्लेंट है जो मॉडल टाउन जैसे इलाके में डॉग्स के मतलब फेवर में हम गए हैं, मतलब उनको बोले कि डॉग्स के लिए कभी कोई कंप्लेंट ही नहीं आई। तो भाई जहाँ क्रूल्टी होती है ना, आवाज़ उठा लिया करो, इनके हकों के लिए भी लड़ लिया करो, क्या पता जो आज इन बेजुबानों के साथ हो रहा है हमारी फैमिली के साथ हो, कोई पता नहीं लगता, इतने लोग तो थाने जाने के लिए भी डरते हैं, तो चले जाया करो। माफी किन्ने मतलब है? मैं आनी है कि जे वो बच्ची नु वापस लै आंदी है ना, मैनू कोई फर्क नहीं, मैं माफी मंगन नाल कोई बंदा छोटा वड्डा नहीं हुंदा, मेन गल है कि बच्ची वापस आ जाए है ना, जेड़ी बेचारी प्रेगनेंट है, 1.5 साल की उम्र है, उन जो डरपोक जी डॉग है, मतलब इन्नी डरपोक है ना, उन तुसी माड़ा जा भी डराओगे ना उस टाइम बह जाएगी, ताई तो बेचारी वो गड्डी च बह के तुर गई है, तो अज मैडम तो दोबारा पूछे, मैडम आँदी है मैं तो तुहानू गलत लोकेशन दसी तुसी लभी जाओ, फिर मैडम ने किसी होर दा नंबर दिता है कि इनू फोन कर लो ये घर च डॉग है, वह अगों सानू गाला कड्डी, मतलब उल्टा सानू धमकियां देन डए ने। सीरियसली यार लोगों का बुरा हाल है, अगर पुतले साड़ने ने ना एवें लोगों ने पुतले बना के साड़िया करो, जेडे हेटर्स ने एनीमल हेटर्स, मेरे तो अज पूरी गली च मैं अग लानी होंगी तो पूरे पुतलिया ही भर जानी सी, क्योंकि जिन्ने को परचे तो जिन्ने को लड़ाइया लोगों ने मेरे नाल ले लिया ने, सीरीयसली मैनू तो विश्वास ही नहीं हुंदा कि मैनू ये लगता कि मैं की करती भी है ना, अपने घरों जाके डॉग्स नू खाना खवाना डेली जाना गड्डी च, मतलब ये चीज़ा च टाइम पैसा नहीं लगता,
गड्डी जांदी है, मुंडे रखे मतलब वो भी जांदे, डॉग्स का ट्रीटमेंट कराना, स्टरलाइज कराना, मतलब इन्ने सारे काम। लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट तो फंड आता, एवं तो कुछ नहीं है, कोई सानू गवर्नमेंट हैल्प नहीं करती। एंड तुहानू भी पता कि गवर्नमेंट किन्नी क जागरूक है, तो किन्नू किन्नू हैल्प वो करती है। सो प्लीज़ एवं ना सोचा करो। अगर कोई तुहाडा सवाल जवाब है तो पूछ लिया जे। मैं दूजे बच्चे दो मिनट विखा दिनी हाँ, सारे बच्चे शायद मेरे तो ना विखाए जान क्योंकि मेरी थोड़ी जी तबीयत सैट नहीं है मुस्कान दी। प्लीज़ अगर कोई त्रावड़ी दे नेड़े तेड़े कोई बंदा जनानी कोई भी लोग एवं रेंदे ने, डॉग दी सी फोटो पाई है, ब्राउन ते ब्लैक कलर दी डॉग है, ब्लैकी दे नाम नाल आउंदी, नीवी जो दी हाइट है, अगर किसी नूं लभदी है तो प्लीज़ लै आ जे। उस लेडी की वीडियो मैंने वॉइस फॉर वॉइसलेस वाले पेज पे डाली हुई है, जाके उस महारानी की आप ऑडियो रिकॉर्डिंग चेक कीजिए, जिन्हें कोई भी पश्चाताप क्या बोलते हैं पश्चाताप है ना, कख भी नहीं आया उन्होंने, वो प्राउडली कहदियां ने कि मैं सट्टी है, तुसी जो करना कर लो, ईवन वो सानू लाइक धमकियां भी देंदे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, जिदा उन्होंने लाइक रब साथ देंदे ना, डरन की लोड़ नहीं। सो मैं दूजे बच्चे फटाफट तुहानू विखा देने, एक मिनट है, एक सेकंड यार फोन स्टैंड ते लाया हुंदा, एक मिनट। आप जो करते हो ठीक करते हो भाई, हम तो एक इंसानियत का फर्ज अदा कर रहे हैं, हम बस भगवान ने एक ड्यूटी लगा दी है, एक सेकंड, वो ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, वो ड्यूटी पूरी हो जाए। ये जोई मैम सो रहे हैं, जिवें शाम का टाइम हुंदा है इन्हां दे बैडां दा टाइम हो जांदा है, एक मिनट। नंबर मैं तो जान के नहीं पाया है ना, बेचारी आई डी पाने वाली उन्होंने मतलब उन्होंने हरैसमेंट लगती पी है, तो नंबर पाने मैं नंबर नहीं पाया, मैं छड़ो परा ना कि किसी तंग करना है, क्योंकि जोड़ा बंदा गलत काम करता है ना तो वह नंबर ना डायरैक्ट रब को तुर जाता है, परमात्मा को, परमात्मा अपने हिसाब न सज़ा देता है। साढ़िया दो गाला क्ढन दो बदुआ देने कोई फर्क नहीं पैंता किसी, जो कोई असी वधिया काम करना है ना वह भी सीधा रब के खाते च तुर जाता है ना, तो जे कोई गलत करने वह भी सीधा रब के अकाउंट से तुर जाता है। सो मैडम छेती पता लग जाएगा अपने जो उन्होंने किया, क्योंकि रब की मेहर न बेबी उन्होंने को बेटी है। सो सब तो वड्डी गल ये कि जो असी करांगे ना असी आही जन्म च भुगत के जाना है। आ जोई मैडम इतने बैठी है, सो जोई की स्टोरी तो आप सबको पता है ना, मैम की आंखें किसी ने मार मार के इसकी आंखें पॉप अप करके बाहर आ गई थी, सो तब से मैम हमारे घर में है। और जिन्होंने इस डॉग को यहाँ भिजवाया था उन्होंने बस फर्स्ट एक ही बार मेरे को फ़ोन किया था कि मैम ऐसे ऐसे गली में डॉग है, तो हमने बहुत से लोगों को फ़ोन किया है, कोई आ नहीं रहा, तो प्लीज़ आप आके डॉग को ले जाइए। सो जब मैंने जोई की फ़ोटो देखी तो मेरे से रहा नहीं गया, तो मैं जोई को उठा के ले आई। वो दिन और आज का दिन है, कभी मेरे को कोई फ़ोन नहीं आया कि मैम जो डॉग आप हमारी गली से लेके गए थे वो कैसी है, जोई के बच्चे भी हो गए, बड़े भी हो गए, अडॉप्ट भी हो गए, अब उसके बच्चों को स्टरलाइज का भी सीज़न आ गया कि स्टरलाइज करा देना जल्दी, मतलब लोग नहीं पूछते कभी भी। सो ये दुनियादारी एवं ज़्यादा कितने अज मेरा ना सिर पीड़ आन डेया बड़ा, लाडी ओ लड्डू जा रहा नहीं जा रहा, आ बॉर्डर वेख लो इहदा जा रहा, ओ गई म्याऊ, म्याऊ प्रेगनेंट नहीं है, म्याऊ च थोड़ी देर बाहर काटने हैं। जितने भी डॉग मेरे घर में आए हैं भाई कोई नहीं पूछता, कोई भी एक सिंगल अपडेट नहीं लेता, कोई सिंगल अपडेट नहीं लेता। ज़ारा कैमा ने इधर आई, बस इन दोनों मैडमों को भी इधर रखा थोड़ी देर के लिए, मैं भी कली दरवाज़ा खोल नहीं सकती क्योंकि कली दरवाज़ा खोला। और डुगू 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 को हमने बस स्टैंड से उठाया था बेचारा, और जब डुगू को उठाया था भाई इसकी स्किन पे बाल नहीं थे, सिर्फ खून ही खून था इसकी स्किन पे। इसको मैंने तब मैं इतनी वो नहीं होती थी कि मैं डॉग घर ले आती थी, तो डुगू को मैंने एक जगह पे रखा था किसी आंटी के पास एक दिन के लिए रखा, इसकी हालत और ख़राब हो गई। जब मैं दूसरे दिन इसको देखने की मैं कहा यार ये तो मैं इसको ठीक करने के लिए लेके आई हूँ, हाय वे मेरे तो बोलिया नहीं जान डाया जी, तो और बीमार हो जाएगा।
फिर मैं मम्मी से परमिशन परमोशन लेके इसको उठा के घर ही ले आई। बिन्नी बिना बिना आ जा, टिंगू अपनी मम्मी पापा के पास गया हुआ है। बिन्नी इधर उत्ते, वो भी बिन्नी आ गया। बिन्नी उत्ते, बिना ले, बिन्नी खोना खोना उत्ते आ जा। लड्डू मेरा पुत्र ठीक हो जा फटाफट, तू लाइव चे एवं चुप बैठा, मेरा दिल करता पूरी रात ना मैं लाइव ला के जगी रखदा। लड्डू लड्डू ठीक हो जा, छेती 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 ठीक हो जा। हाँ कहीं ना कहीं इसको दर्द होता है थोड़ा बहुत। लड्डू बुगे बुगे, अब देखो चाहे किसी गाड़ी वाले ने इसको हिट किया हो, चाहे किसी ने इसको वैसे मारा हो, अगर गाड़ी पे तो इंसान ही चला रहा था। मतलब ये इन बच्चों को जितने भी दुख दर्द मिले हैं ना, इंसानों के द्वारा ही मिले हुए हैं। जब इस गाड़ी चला रहा होगा कोई, कोई बाइक चला रहा होगा, उसने नीचे दिया होगा, वो भी तो इंसान ही था। तो थोड़ा सा भाई स्लो ड्राइव कर लिया करो, आपके स्लो ड्राइव के चक्कर में ना कितने बेजुबानों की जान बच जाती है ना। हाँ तो मैं एक अपडेट देनी थी, यहाँ देखो टीम आ गई ओए बल्ले। एक दो तीन चार पाँच, बाकी कितने ने, ओ आ जाओ तुसी भी जवानों। मेरे पुत्र ओ देखो लड़ाई होगी ना, आ छे छे ची सुनो रिम जिम ओहो तुहाडी ओए खलो जो खलो जो खलो सत्त अठ ओए 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 बगीरा टेक जा। मैं चली हाँ यार, मैं चली हाँ, इतों मैं चली हाँ, सॉरी मैं चली हाँ, मैं चली हाँ, ये एवं लड़ते ने, मैं चली हाँ। नेत्रा नेत्रा ओए मरा तो बुखार होनी लफ जाना तुहाडे को, दो मिनट बैगी ते नेत्रा को स्टरलाइज करा दिए गाइज। हाय नहीं टांके विखाइए दे, थोड़ी दूर उंजी विखा दी बस, रहन दे रहन दे रहन दे, लड़ पैन के रहन दे, सीनी बखाने टैंक टांग के ओ चलने कोको को स्टरलाइज कराना है सर्किट है। हाँ नेत्रा नेत्रा तेरे टांग, हाय मेरे टेड चे लत मारी नी डी और दी, हाय मर गई मैं ते अबे छेड़ दी वे की में हजे तो मैडम का परेशन होया है सजरा सजरा है ना, हजे तो तेरे टांकिया एक दिन ही होया है। लड़ते वे कि लत्था मार के एक दूजे उबे 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 आंदा आ जा ओए ओए ये लड़ पड़ेंगे एकदम आ जाओ बाकी वो लड़दा वे कि मुक्का मार के आंदा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा। मोती मोती ऑलरेडी स्टरलाइज है, शेड ऑलरेडी स्टरलाइज है वे सर्किट। गाइस नेत्रा को फाइनली स्टरलाइज करा दी है, एंड रोजलिन जी हैं जो नेत्रा को मेरे घर पे लेके आए थे, एंड रोजलिन जी ने नेत्रा का जो स्टरलाइजेशन का जो भी था उन्होंने खुद ही पे किया है, तो बच्ची को स्टरलाइज करवा दी है। क्योंकि वही बात है ना, उसके बाद फिर मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसे कितने बच्चे अडॉप्ट करा लूँगी। डब्बू और डब्बू कोकी हूँ कौन रह गया स्टरलाइज़ वाले, एक कोको जिम्मी जब आई थी ना ये लोगों ने बोला था कि स्टरलाइज दे कन्न कट्टे सन, लेकिन ये स्टरलाइज नहीं है, हूँ दो रह गई ने, दोवों ने स्टरलाइज कराना है। अरे मूँह ऑलरेडी स्टरलाइज दे दिल्ली तो आई जड़ी सर्किट बगीरा तेरे मूँह चौंट पड़ी एक रोंदा कन्ना नू दंद वेख तू वेह अवे अवे आ गई खलो जा फटफटी फटी सुन ये देख लो जो मेरे डीपी में डॉग है ना देख लो निक्का जते थे शिकारी बनया फिर वेख लो शनोई दिया वखियां और बात नहीं वेखते हड्डियां मतलब सॉरी जब शनो ओ वे 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 जब शनोए हमारे घर आता है कैसे था ना इसके लाइक रिमू एना ना जुतियां खा लेनी एक दूजे तो ओए यार मैं चल रही आई तो मैं जिंदर खिलाऊंगी लड़ते रहेंगे वेख लो इधर तो मैंने मैं जा रही हूँ जेडे ज्यादा पूत जाते ना मैनू वेख के बंद करियो जा रहा किधर है लाडी 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 लड्डू जोली को लेके आई उधर से ध्यान से
जूली उधर है, जूली का भी मे भी कल या परसों अडॉप्शन हो जाएगा। मास्टर ब्लास्टर तो नीचे है अभी, वो तो उत्ते रहने जो गई कौन होंगे, एक बार उत्ते छड़ा ना आवे ब्राउनी और मतलब इनू भी कोई सट गया से मेरे घर के बहर थोड़े दिनों ने ये मैनु तो ही होंगे जिम्मे धी धी वी नहीं होंगी लाइक उन्होंने फिर की आँदे उन्होंने विह करा होंगे ना एवं जिमें थोड़ी व्डिया होंगे ने मैनू ओह स्टैलाइजेशन कराना पेगा। हम जुली आओ कब्बे भी कम जुली 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 कहने कोई ब्लाइंड है भाई मेरे मेरे अकॉर्डिंग ब्लाइंड नहीं है सॉरी मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी ब्लाइंड नहीं है। जुली काम जुली जुली काम जुली आए बच्ची नी आ तू आवे किड्डे डाई मार के आंदी आवे उत्ते एडी उन्होंने प्रैक्टिस है ना उत्ते चढ़न की अगे तुम सोफे की समझते हो ना आवे इधर आ जा जुली 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 ले नीचे तारी उसको एक बार नीचे तारी उसके पास जुली ले उसके पास तारी एक बार जुली ले जुली ले जुली देख जूली को ना जोई की आवाज से पता कितनी नफरत है इसको ये पता क्यों भौंक रही है क्योंकि ब्राउनी घूम रही है ना इधर उधर जूली नी नी जूली ब्राउनी से इसको ना लड़तिया को नहीं इतनी इतनी शरारती है ये इसको आवाज नहीं सुन सकती दूसरे डॉग की है। जुली बस कर शेर नहीं पुत्र बस कर तू ते जुली इधर आ जा मोटड़ो जी इधर आ ये कंप्लीटली ब्लाइंड है कंप्लीटली ब्लाइंड मैं तो सारे दिन नागे कहती कि नागे काटना जे की है चुप कर जा ओदी आवाज कि नहीं पतली जी वेख जुली ये खाती नहीं खाती नहीं खाती नहीं ये नहीं खाती वो खाती है उसको दे दे चल जूली मैं चली हाँ थले करीब खाना दूजे हाय वे मेरे आगे बाबे मां ने पंखा थोड़ा तेज कर दे मैं दूसरे बच्चे दिखा दूँ फटाफट आपको है। जूली बर्दाश्त नहीं करती किसी की भी आवाज चल वे थले जिस दिन लत टूट जाएगी ना उस दिन बहना बंद कर दे सुबह सुबह जब उठ के मैं नीचे जाती हूँ ना एक पौड़ी पे ये बैठा होता है एक पौड़ी पे काटो एक पे ब्लैकी किस दिन ना मैं तो रेडी जाना है तू भी बना ले जे लाइव हाँ ओए थल्ले ही रह मैं आ गई हाँ थल्ले ही रह थल्ले ही तुर जा चल थल्ले चल चल थल्ले चल पा रंच कितने बजे काटो भी बारे ब्लैक ही बारे आ जा को दिखा दिया ऑलरेडी आज आ जाओ चलो तुम बाहर वाला पूरा विखा दी मैं महकम डुगुन रहन दे पूरी महल की सारे करा दे कराती ब्लैकी ब्लैकी काटी रांची तू करन दे बार रांची रांची बड़ा खुश है बार बह गया ना बार बह गए तो बड़े खुश तुसी आ पूरी टीम ब्लैकी आया ब्लैकी जट्टा देख तो लोग कितने सोरे देखियो जिन्ने घर दे अंदर ने उन्ने घर दे बाहर ने आ सारे मिनी ब्लैकी सिल्क काटो टिंडो माइकल रांची हे परमात्मा इन्ना मैं ये डॉग लोगों के कैनल च नहीं होंगे है ना मिनी बस कर ओए जैसे गली पूरे मोहल्ले में अगर ये मतलब मिली मिनी है कोई भी कुछ भी कराता है ना तो लोग हमें बोलते हैं वो कौन है ब्लैकी है इधर आ जाओ वापस
ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਨਿੰਗ ਉਹ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਤੇ ਵੋਕ ਪੇ ਜਾਤੇ ਆ ਉਹ ਆਵੇ ਮਰ ਜਾਵੇ ਹਰਾਮ ਜੀ ਥੱਲੇ ਮਰ ਲਓ ਇਹਦੇ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਿੱਤਰ ਮਰ ਥੱਲੇ ਮਰ ਥੱਲੇ ਮਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਦਾਂਗੀ ਇਹ ਨੀਚੇ ਤਰ ਆਵੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਅੰਦਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਕਢਾ ਕੇ ਦਿਓ ਮਰ ਜਾਓ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੈਸੇ ਇਹ ਸ਼ੁਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਰਾਂਚੀ ਬਲੈਕੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਆਵੇ ਜੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਐਵੇਂ ਵੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਚਾਰ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਗਿਆ ਜੇ ਹੈ ਓਏ ਮੈਂ ਲੱਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਕਰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਚਾਰੇ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੇਗਾ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੌ ਸੌ ਕੇ ਦੀ ਲੱਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸੁ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਵੋਕ 'ਤੇ ਆ ਜਾ ਕਰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਮੰਮੀ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਲਾਂਭਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿੰਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਲੋਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਕਢਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਕਢਾ ਦਿਓ ਬਲੈਕ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਵੋਕ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿੰਨੀ ਵੀ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੈ ਕਾਟੋ ਵੀ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਾਟੋ ਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੈ ਕਾਟੋ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਘੱਟ ਖਾ ਲਾਂਗੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਛ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਲੈਕ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਐਵੇਂ ਚੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਹ ਤੋਂ ਨਖਰੇ ਕਰ ਕਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖਲੋ ਜਾਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਟੁੱਟਣ ਡਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਖਲੋ ਜਾਓ ਆ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ ਹਾ ਹੋਵੇ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜੌਨ ਸਿਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਤੀ 80-90% ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋਤਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਕੋ ਲਾਈਵ ਮੇਂ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਵੇ ਇਨਕੋ ਵਾਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਏਗੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਰਾਂਚੀ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਵੇ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਕਈ ਹੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਭੀ ਇਨਕੋ ਨਹਿਰ ਪੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੜਾ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਬਾਗ ਬਾਗ ਕੇ ਕੈਸੇ ਜਾਏਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਪਲੇਅਰ ਹੀ ਗੋਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਂਚੀ ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਵਾਲੀ ਪਟੜੀ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲੇਗਾ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਲੇ ਕੀ ਨਾ ਉੱਪੜ ਜੇ ਬਰਾਊਨੀ ਆ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਜਾਣੀ ਸਿਰ ਘਰ ਤੇ ਚੋਕੀ ਘਰ ਤੇ ਸਿੱਕੀ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਘਰ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਘਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਈਵ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੋ ਮੈਂ ਆ ਜਾਓ ਚਲੋ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਐਂਡ ਵੇ ਆ ਮੰਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਵੇ 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 ਅੱਛਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਲਿਆਈ ਵਡਵਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਚਿਮਚੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਓ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਮੰਮੀ ਕਿਸ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਐਸੀ ਚਾਟਾ ਪੈਣਗੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨੈੱਟ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਇਹ ਸਾਲੇ ਸਕੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਡੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰ ਬਾ ਕੇ ਲਾਈ ਤੀ ਬਲੈਕ ਮੇਰੀ ਬਾਜੂ ਪੇ ਵੀ ਕਾਟਾ ਥਾ ਹੈ ਟੀਏ ਮੈਂ ਲਵਾਏ 2000 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਚਿਮਚਾ ਮੰਮੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾ ਯਾਰ ਮਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾ ਚਿੜੀਆ ਹੈ ਵੋ ਇਸ ਪੇੜ ਪੇ ਰਹਿਤੀ ਹੈ ਵੋ ਨਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਤੀ ਤੋ ਵੋ ਡੇਲੀ ਆਤੀ ਹੈ ਯਹਾਂ ਉਸਕੇ ਚਾਵਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਏ ਸੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਖਾਣਾ ਰੱਖਾ ਉਸਕਾ ਵੋ ਜਬ ਵੀ ਆਤੀ ਹੈ ਏ ਸੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਤੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਤੂੰ ਸਾਲੇ ਕਾਲੂ ਰਾਤੀ ਵਿਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੱਟੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਅੰਦਰ ਚੱਲ 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 ਚਲੋ 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 ਬਾਏ 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 ਚਲੋ ਜੀ ਮਿੰਨੀ
ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣੇ, ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ, ਹੈ ਨਾ, ਬਾਏ। ਫਲੈਟ ਫੜੀ, ਥੱਕ ਗਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਫਲੈਟ ਫੜ ਲਾਉਣੀ। ਗੇਟ ਚਾਹਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਭਾਈ ਆਇਆ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰਾ ਗੇਟ ਨਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਹਮ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ। ਮੰਮੀ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ, ਫੜੀ ਜਰਾ, ਫੜੀ ਫੜੀ ਆ।